अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आज जी घर में गेस्ट आ रहे थे, सो मैं ये सुबह मॉर्निंग है और जो है ना चिकन को डिफ्रोस्ट करी थी ताकि जब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो उसके बाद मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। और अब जी मैंने चिकन ले लिया हुआ है और अब मैं इसको फटाफट जो है ना मैरिनेट करके रख दूँगी। आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। सो मेरे पास टाइम कम था और मैं फिर इसको मैरिनेट कर रही थी। सो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें मैंने सारे स्पाइसेस और 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है। मैक्सिमम 1 kg चिकन था और जो है ना साथ में बनाई थी एक वेजिटेबल, क्योंकि मोस्टली उनका 1-day trip होता है तो हमारा ज़्यादा जो प्लान है ना वो बाहर का ही होता है, क्योंकि वो जब भी आते हैं हमने अब्दुल्ला को या आउटिंग पे ही लेके जाना होता तो फिर हम लोग बाहर से ही फिर इंजॉय कर लेते हैं। बाकी ये है कि मैं फिर भी खाना बना देती हूँ ताकि किसी बच्चे ने खाना या किसी बड़े ने खाना तो एटलीस्ट खाना बनाओ और आके ना बनाना पड़े। सो बस मैं जल्दी से जो है ना एक चिकन कड़ी बना रही थी और साथ मैंने एक सब्ज़ी जो है ना वो तैयार कर रही थी। सो बस मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया, तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँ और फिर इसको हम कुक करते हैं। ओके जी, मैंने जी जो है ना अनियन लिए थे 2 big size के, इसको मैंने प्रॉपर जो ग्राइंड कर लिया था ताकि जो इसमें ये ना अच्छी तरह प्यूरी पेस्ट टाइप बन जाए। और आपने अब इसको गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना लेकिन ये इतना गोल्डन हो जाए कि इसका कलर अच्छा चेंज हो जाए। सो बस अब मैं अनियन को अच्छी तरह सॉटे कर रही थी और उसके बाद जी इसमें हम अपना जो है ना वो मैरिनेटेड चिकन है ना वो ऐड कर देंगे। बस अब मैं इसमें जो है ना चिकन को ऐड कर रही थी लेकिन मुझे अनियन जो है थोड़े से और गोल्डन करना था, सो मैंने इसको दोबारा जो है ना वो गोल्डन करना शुरू कर दिया था। और आपने जो अनियन है इसको अच्छी तरह कुक करना है, कोई भी चीज़ हो लाइक टमाटर हो अनियन हो इसको आपने अच्छी तरह कुक करना होता ताकि इसका जो कच्चापन है वो हमारे टेस्ट ना ख़राब करे। सो बस मैं इसको अच्छी तरह कुक करके अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और चिकन को भी मैं काफ़ी देर कुक करूँगी। ये इसलिए कुक बन जाता है क्योंकि इसकी जो भुनाई है ना वो शुरू में इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये 10-20% ही इसका जो है ना कुक का टाइम रह जाता है। सो बस ये अब हम इसको अच्छी तरह भुनेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड करूँ। टमाटोज़ भी इसमें मैंने 2 big size के ले लिए थे और जो है ना ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के देखेगा। सो बस अब इसके अंदर जो है ना मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया हुआ, मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और जब इसमें आपको जो है ना कलर चिकन का और जो ग्रेवी है उसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा दैट्स मीन ये अच्छी तरह भून चुका हुआ है। सो बस मैं अब इसको ना थोड़ी देर भूनूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें टमाटो पेस्ट के बाद जो है ना इसमें मैंने 1/2 cream डाली थी और 2 tablespoon हमने मैरिनेट करते वक्त डाली थी। और अच्छा, मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह भून के उसके बाद मैंने 1/2 pack ऑफ फ्रेश क्रीम डाली थी। सो आई डोंट नो वो क्लिप किधर गया है, तो मैं इसको ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी कि इसके बाद आपने क्रीम ऐड करनी है। और उसके बाद जी हम लोग ने जो है ना इसको 1 glass पानी डाल के छोड़ देना और ये बहुत मज़ेदार जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और बस जी अब जो है गेस्ट आ चुके थे, उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई। सो बस मैं बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा भी और बस उसके बाद जी हम लोग ने टी टाइम किया और उसके बाद जी रात हो गई थी, हम लोग निकल गए। और बस उसके बाद हम अब्दुल्ला को प्ले ले जाने के बाद हम लोग चले गए थे वापसी में इधर आइसक्रीम लेने के लिए। और हम लोग ने जी घर जाके खाया पहले पिज़्ज़ा और उसके बाद हम दोबारा निकले थे, फिर हम लोग ने जी आइसक्रीम लेने आए थे और बस आइसक्रीम लेके हम घर चले गए क्योंकि बाहर खाने में जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा मेस कर देते हैं। और बस यहाँ पर जो अब्दुल्ला है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ था कि मामा हमें ये लेना है हमें वो लेना है। सो बस हम जल्दी से जो है ना बिल करवा के निकलने लगे थे। तो अब्दुल्ला के जी दादा दादू आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था और हम लोग ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और हम लोग जो है ना वापस घर जा रहे थे अब। और बस हम लोग घर के लिए वापस निकल गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो अब ये जी सुबह हो चुकी हुई और सडनली हमारा भी प्लान बन चुका हुआ था। सो मैं एज़ यूजुअल पैकिंग कर रही थी और एक ही बैग के अंदर काफ़ी कुछ डालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हस्बैंड का स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि एक ही बैग लेके जाना, लेकिन नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि एक बैग तो मेरा बनता ही नहीं है, इतना ज़्यादा बच्चों की चीज़ें होती हैं वो एक बैग में कैसे आएंगी बताओ भला। सो मैं एडजस्ट कर रही थी लेकिन नहीं हुई,
फिर उसके बाद एक बैग बनाना पड़ गया था। एक दिन या दो दिन का ट्रिप था, लेकिन मैं एक बैग और छोटा सा मैंने बना लिया था ताकि इजीली ना चीज़ें आ जाएं। सो फाइनली ये घर से भी निकलने का बहुत बड़ा काम है और हम लोग फाइनली निकल गए थे, वी आर ऑन द वे। हम दोपहर को निकल गए थे ताकि हम टाइमली शाम तक पहुंच जाएं। और सबसे और जी आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।